Hey everyone, welcome or welcome back in my YouTube channel. In today's video, I'm gonna share some DIY worksheet for class UKG. So let's get started. So this is the first worksheet, matching. Match uppercase to lowercase. So बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है. आपने एक साइड पे कैपिटल जो अपर केस कर्सिव लेटर्स है वो लिखने हैं और दूसरी साइड लोअर केस कर्सिव लेटर्स और उन्हें मैच कर देना है. जैसे ए को हम ए से मैच करेंगे, बी को बी से, सी को सी से, डी को डी से और इसी तरह से सभी लेटर्स को उनके जो लोअर केस लेटर है उनसे मैच कर देंगे. इससे बच्चा बहुत इजीली समझ सकता है कि उसे अपर केस और लोअर केस दोनों समझ आ गए हैं और वो इजीली मैच कर सकता है. हमारी सेकेंड वर्कशीट है नंबर नेम्स. सो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स राइट किए हैं और आगे नंबर्स नेम लिखे हैं और बच्चों को ढूंढना है. लाइक मैंने स्पेलिंग्स लिखी है, वो बच्चा फाइंड करेगा स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग. जैसे मैंने ओ ई एन को जंबल वर्ड्स लिखे हैं, उनमें से करेक्ट स्पेलिंग भी है बच्चों को वो फाइंड करनी है. लाइक एफ आई वी ई तो बच्चा फाइव की स्पेलिंग ढूंढेगा. सेम थ्री तो थ्री की स्पेलिंग होती है टी एच आर डबल ई. उसी तरह से बच्चा थ्री की स्पेलिंग हर लाइन में हर रो में स्पेलिंग्स लिखी है और उन्हें बच्चे को फाइंड करनी है. लाइक सिक्स, नेक्स्ट इज फोर तो एफ ओ यू आर फोर. बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा करने में. बच्चों को हर टाइम मतलब मन नहीं होता है कि वो हमेशा राइट करें. आप कुछ इस तरह की वर्कशीट भी दे सकते हो जिसमें बच्चे को करने में मज़ा भी आएगा और एज अ टेस्ट भी हो सकती है ये वर्कशीट कि बच्चे को स्पेलिंग्स लर्न है या नहीं है. तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ इस तरह की वर्कशीट करता है और उन्हें मज़ा भी आता है करने में. सो लाइक दिस एट की स्पेलिंग ढूंढनी है. इस तरह से बच्चा सारी स्पेलिंग्स ढूंढ लेगा. सो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ये भी. जब आप बच्चों को मात्राएँ सिखा रहे हैं उसके बाद आप कुछ इस तरह से कोड मतलब कलर कोड के थ्रू आप इस तरह से ये वर्कशीट कर सकते हैं. लाइक हर जो मात्रा है उनका एक कलर है, कलर कोड है. तो बच्चे को वही कोड देखना है और वहाँ पे मात्राएं यूज़ करनी है. लाइक फर्स्ट हमने द लिखा है और द की द में लगाई है ग्रीन. जो ग्रीन है वो है छोटी ई की मात्रा. तो ग्रीन कलर बच्चा छोटी की मात्रा लगाएगा और नौ लिख लेगा जिससे एक वर्ड बन जाएगा द ई नौ दिन. सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है. बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ इस तरह की वर्कशीट करता है और उन्हें लगता भी नहीं है कि वो राइड कर रहे हैं या कुछ होमवर्क कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है. और साथ ही साथ वो इस तरह की वर्कशीट मतलब ये इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट. सो बच्चे की नॉलेज भी बढ़ रही है और साथ साथ बच्चा इंजॉय भी कर रहा है उस चीज़ को. तो में तो के बाद ऊ की मात्रा है. ऊ की मात्रा के लिए हमें येलो कलर किया है. सो तो ऊ म तुम. उसी तरह से हर जो मात्रा है इसका कोड है. बच्चा देखेगा इससे बच्चे की कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी. लाइक र आ आ की मात्रा लगेगी तो र आ म राम. सेम इसी तरह से द और ऊ की मात्रा लगाएगा द ऊ ध दूध. फॉर उलो फूल. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है. अगर आपका बच्चा आप सिखा रहे हो मात्राएं बच्चे को तो उसके बाद आप इस तरह की वर्कशीट ज़रूर दें. बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेगा. सो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है भी हिंदी की वर्कशीट है, अक्षर को उल्टा कर नए शब्द बनाएं. सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है. तो हमने आप दो वर्णों वाले मात्राओं से पहले आप इस तरह की वर्कशीट करवा सकते हो. हम बच्चों को दो वर्णों वाले, तीन वर्णों वाले और चार वर्णों वाले शब्द करवाते हैं. सो यहाँ पे अक्षर को उल्टा करना है बच्चे को और नए शब्द बनाने हैं जिससे बच्चे की रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी. जैसे स ब सब तो उसको उल्टा कर दो. ब पहले लिख लो ब स बस. ल च लच च ल चल. नम नम मन मन. लौ को लक कलो कल. तो बच्चा साथ ही साथ रीड भी कर रहा है और इस तरह की वर्कशीट इंटरेस्ट के साथ करेंगे बच्चे और उन्हें मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा करने में. सेम सौ रौसर रौसर रस.
जग जग गज ज गज गज जग जग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अगर आप बच्चे को इस तरह की बिना मात्राएं वाले शब्द करवा रहे हैं तो ये वर्कशीट ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है सेम जो हमने अभी वर्कशीट की उसी की वर्कशीट इंग्लिश में है, लाइक रिवर्स द वर्ड एंड मेक न्यू वर्ड। सेम जो हमने हिंदी में किया वही हम इंग्लिश में कर रहे हैं। ये भी सेम उसी तरह से बच्चे की रीडिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव करेगी और बच्चे नए वर्ड्स भी सीखेंगे, नए वर्ड्स बनाएंगे, लाइक TENTIN एंड ET NET, DNA AND। तो बच्चे को उल्टा वैसे ही PAT पैड, TAP टैप, GUM गम, MUG मग। तो इस तरह से बच्चों को रिवर्स करने हैं वर्ड्स जो सेम हमने अभी हिंदी में की उसी तरह से हम ये इंग्लिश में करेंगे। TUB टब, BUT बट, सेम NEPNEP, PEN पेन। तो न्यू वर्ड्स सीखेंगे बच्चे, रीड करना सीखेंगे। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। सो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है लेबल द प्लांट। सो हम बच्चे को कई बार बोल देते हैं चलो पार्ट्स ऑफ द प्लांट लिख लो। तो इस तरह से आप अगर बच्चे को थोड़ी सी कलरफुल वर्कशीट बना के दोगे, थोड़ी सी क्रिएटिव वे में दोगे तो बच्चा और इंटरेस्ट के साथ करता है, उसे लगता है कि हाँ मैं मुझे मज़ा आता है उसे इस तरह से करने में। सो थोड़ी सी एफर्ट डालने से बच्चा मतलब उसका इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को लेबल करना है प्लांट को, यानी कि पार्ट्स जो है उसके लिखने हैं, लाइक फ्लावर है, स्टेम है, रूट है, लीफ है। सो ये UKG और फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए इस तरह की वर्कशीट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द करेक्ट बिगनिंग लेटर। सो ये भी एक फोनिक की वर्कशीट है, लाइक बच्चे को पिक्चर्स देखनी है और उसका जो बिगनिंग लेटर है वो राइट करना है, लाइक ए आ एप्पल, आई आइसक्रीम, एफ आ फिश, ई आ एग, जे इज अ जग एंड बी अ बॉल। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है। सो नेक्स्ट वर्कशीट है फाइंड द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो जब आप बच्चे को वोवल्स सिखा रहे हो, कॉन्सोनेंट सिखा रहे हो तो उस टाइम पे इस तरह की वर्कशीट ज़रूर दें। सो यहाँ पे बच्चा वोवल और कॉन्सोनेंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। सो एक साइड पे आपने कुछ वर्ड्स राइट करने हैं और एक बॉक्स में आपने वोवल्स के लिए रख देना है और एक साइड कॉन्सोनेंट्स के लिए। सो बच्चा वर्ड्स को देखेगा और उसमें से वोवल्स फाइंड करेगा और कॉन्सोनेंट फाइंड करेगा और उन्हें वोवल्स को वोवल्स वाली जगह पर लिखेगा और कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट वाले। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिएटिव वर्कशीट है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे को वर्वल्स और जो कॉन्सोनेंट है उनके बीच का डिफरेंस पता लग चुका है और बच्चे भी इसको इंटरेस्ट से करेंगे। सो लाइक एफ फिश है तो फिश में आई वोवल है और एफ एस एच कॉन्सोनेंट्स हैं। सो अगर आपको डाउट है बच्चे को समझ आया या नहीं वर्वल्स और कॉन्सोनेंट का जो टॉपिक है और उन्हें क्लियर हुआ नहीं, तो आप इस तरह की वर्कशीट ज़रूर दें। सो ये एज अ टेस्ट वर्कशीट भी आप दे सकते हो और बच्चा अगर इजीली कर पा रहा है इसका मतलब है कि बच्चे को बिल्कुल क्लियर है वोवल्स और कॉन्सोनेंट। बच्चा बोल तो देता है बट जब उसे करने की बारी आती है तो आप इस तरह की वर्कशीट ज़रूर दें, तो वो अगर अच्छे से कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे बिल्कुल क्लियर है वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, कौन से वोवल्स होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो अगर आप वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सिखा रहे हो तो इस तरह की वर्कशीट ज़रूर दें। सो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है कंप्लीट द वर्ड। सो UKG क्लास में बच्चा वर्ड्स राइट करने लग जाता है तो आप इस तरह से स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए इस तरह की वर्कशीट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ही इजीली बन भी जाती है। आप कुछ वर्ड्स जो भी आपको लग रहा है बच्चे को स्पेलिंग नहीं लर्न हो रही है ना, तो उसमें भी आप बच्चे को इस तरह से दे सकते हो कि आपने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर ली है और वर्ड्स की आपने क्या कर दी है, कुछ लेटर्स आपने लिखने हैं, कुछ नहीं लिखने हैं। सो बच्चा उन लेटर्स को कंप्लीट करेगा सो और पूरा वर्ड बन जाएगा। सो यहाँ से आप बच्चे की स्पेलिंग टेस्ट ले सकते हो इस तरह की वर्कशीट से, बहुत ही यूज़फुल रहेगी। सो नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है फॉलो पैटर्न्स। सो ये एक ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट है जो आई एम श्योर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
सो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से डॉट्स बनाए हैं और उनके चारों ओर कुछ पैटर्न बना दिया है. लाइक मैंने ब्लू कलर का डॉट लगाया है, उसमें प्लस का साइन बना दिया है. और सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ कलर्स लेने हैं और बच्चे को हाथ में वो कलर्स देने हैं. जैसे कि मैंने यूज़ किया है यहाँ पर ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, पैरेट एंड पिंक कलर का. सो आपने बच्चे को ये सारे कलर्स दे देने हैं. तो बच्चा देखेगा, हर कलर्स को ऑब्जर्व करेगा. जैसे फर्स्ट बच्चा ब्लू, फर्स्ट ब्लू है तो बच्चा देखेगा कि ब्लू में कौन सा पैटर्न बना है और वो हर जगह जो ब्लू डॉट है उन्हें फाइंड करेगा. और जैसे कि मैंने प्लस का साइन यहाँ पे बनाया है तो बच्चा उस साइन को, उस पैटर्न को फॉलो करेगा. नेक्स्ट जो कलर है वो है ऑरेंज. सो ऑरेंज में मैंने क्रॉस साइन लगाया है. बच्चा क्रॉस देखेगा, ऑरेंज कलर को ढूंढेगा जितने भी डॉट्स हैं और उनमें क्रॉस लगा लेगा. सेम जो मैंने पैटर्न किया है वही बच्चे को फॉलो करना है. सो नेक्स्ट कलर है पर्पल. सो पर्पल के चारों ओर मैंने स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइंस लगाई है. सो वही सेम पैटर्न बच्चे फॉलो करेगा. इससे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होती है. सो नेक्स्ट जो कलर है वो है ग्रीन कलर. सो बच्चा ग्रीन कलर फाइंड करेगा, उसमें मैंने एक स्लिपिंग लाइन लगाई है. सो वही जो पैटर्न है बच्चे को फॉलो करना है. और जो लास्ट कलर है वो है पिंक. सो पिंक कलर में एक स्टैंडिंग लाइन लगाई. आप चाहो तो अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न दे सकते हो, टफ दे सकते हो, ये बच्चे के ऊपर है. सो इस तरह की वर्कशीट बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है और बच्चे की कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज होती है. सो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है वर्ल्ड बिल्डिंग. सो यहाँ से आप बच्चों को वर्ड बिल्ड करना सिखा सकते हैं. लाइक मैंने कुछ लेटर्स राइट किए हैं और जैसे कि आप साउंड, जैसे आप वर्ब सीवीसी वर्ड सिखाते हैं बच्चे को, तो उसको इसी तरह से सिखाया जाता है. जैसे फर्स्ट एड साउंड के, एंड साउंड के, ऐप साउंड के. सो यहाँ पे बच्चा खुद बना रहा है, वर्ड्स मेड कर रहा है. लाइक सी ए सी एट, बच्चा रीड भी करेगा और राइट भी करेगा. कैट आर, लाइक र एट, रेट म एट, मैट. उसी तरह से ए एन साउंड में, एन साउंड में आपको इस तरह से करवाना है. म एन मैन, फो एन फैन. यहाँ से बच्चा रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है और वर्ड बना भी रहा है. सो उसको पता है ए पी की साउंड ऐप होती है. तो बच्चा अगर फोनिक्स साउंड्स पता है हर लेटर्स की तो बच्चा इजीली रीड कर सकता है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. और अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो डू कमेंट, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. और अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.